भगवद गीता का ये अनमोल वचन हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही अनमोल है, कृपया इसे ध्यान से सुने। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये ज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रकृति के लोगों के भूड हैं। इनका त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विग्रह आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उनकी जुबानी करवाती है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोशो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सौगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन के सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, और नहीं सीखते हो तो वही गलतियां
सागर बन जाती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना ही हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतने ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपना तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कन्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के साथ मिली चीजें अपना महत्व। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से सम्मानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।